नमस्कार, लीना जीजी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दही के सैंडविच बना रही हूँ। ये बनाने में जितने आसान है, स्वाद में उतने ही लजीज है। इसे आप किसी भी वक्त हल्की फुल्की भूख लगने पर गर्मा गर्म बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालें इसे बनाने में लगने वाली सामग्री पर। हमारी सारी सामग्री तैयार है। ये है पानी निकला हुआ दही। हम दही को कपड़े में बांधकर इसे नल पर टांगकर इसका पानी निकाल सकते हैं, या दही को बारीक छलनी में थोड़ी देर डालकर रख देने से भी इसका पानी काफ़ी आसानी से निकल जाता है। अब इस दही में हम मिलाएंगे बारीक कटा प्याज, बारीक कटा अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, स्वादानुसार नमक, दरदरी कुटी काली मिर्च, भुना हुआ जीरा। इसे हथेलियों से थोड़ा क्रश कर लेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले में नमक काफ़ी होता है, तो नमक डालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सैंडविच के लिए क्रीमी चटपटी स्टफिंग तैयार है। सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो ब्रेड ली है उसकी साइड की किनारी निकली हुई है। इस तरह की ब्रेड मार्केट में मिल जाती है। अगर ऐसी ब्रेड आपको नहीं मिले तो आप नॉर्मल ब्रेड की भी किनारी काटकर इस तरह से तैयार कर सकते हैं, और उस किनारी को आप किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब एक ब्रेड लेकर उसके ऊपर इस मिश्रण को अच्छी तरह से फैला देंगे और एक और ब्रेड लेकर उसके ऊपर रखेंगे और इसे गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे। गीले कपड़े से कवर करने से ब्रेड सूखेगी नहीं और सैंडविच सॉफ्ट बनेंगे। अब इसी तरह से हम सारे सैंडविचेस तैयार करके उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे। सारे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। अब हम एक एक सैंडविच को उठाकर इसको बीच में से हाफ हाफ कट कर लेंगे। अब गैस को ऑन करेंगे और एक तवा गरम करेंगे। तवे के गरम हो जाने पर हम उसे बटर से ग्रीस करेंगे। बटर हमें इतना लेना है जिसमें राई और तिल डालने पर वो क्रेकल हो सके। अगर आप ज़्यादा बटर पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, और बटर की बजाय आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी राई और तिल डालेंगे। ये दो सैंडविच के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसे पूरे तवे पर अच्छी तरह से फैला देंगे और उसके बाद इसके ऊपर सैंडविच रखेंगे। सैंडविच को उलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि ये राई और तिल जो है ये सैंडविच के दोनों तरफ अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर कर देंगे जिससे सैंडविच और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमारे सैंडविच तैयार है। इसे हम तवे से उतार लेंगे और इसी तरह से हम बचे हुए सारे सैंडविच को सेक लेंगे। लीजिए, तैयार है झटपट बनने वाले स्वादिष्ट सैंडविच। इसे आप बनाइए। रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लीनाज़ इजी किचन। धन्यवाद।